जो के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इनमें से भाई 100% गारंटी है कि जुलाई का महीना चालू हो चुका है। और भाई जुलाई के महीने में हमारे मुस्लिम भाई लोगों का एक त्योहार आने वाला है जो कि है भाई रमजान। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई रमजान के त्योहार में किराना दुकान पर इन 10 चीजों की बिक्री सबसे ज्यादा होने वाली है। अब अगर आप उन 10 चीजों को पहले से ही ला करके अपने दुकान में रख लेते हो तो भाई त्योहार के टाइम में आपके दुकान पर बिक्री काफी ज्यादा हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो भाई रमजान के त्योहार में जितने भी 10 चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इनमें से भाई 100% गारंटी है कि ये 10 चीजें आपके दुकान पर रमजान के त्योहार में 100% सबसे ज्यादा बिकने वाली हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है रिफाइंड ऑयल, ठीक है, उसके बाद आता है सेवई। भाई जब लोग सेवई लेंगे तो ड्राई फ्रूट तो लेंगे, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, कटी नारियल और गोला वाला नारियल, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट ले लिए तो उसके बाद चीनी भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग अपने त्योहार में अगरबत्ती और मोमबत्ती भी जलाते हैं, तो इन चीजों को भी आपको अपने दुकान में ले आना है। और अगरबत्ती जब मोमबत्ती जलाएंगे तो माचिस की भी जरूरत पड़ेगी, माचिस भाई उनका त्यौहार है तो मेहमान भी आएंगे, तो मेहमान के आने के लिए नमकीन बिस्किट आप बड़ी पैकेट भी ला सकते हो, नमकीन के और छोटे पैकेट भी ला सकते हो, बिस्किट भी ला सकते हो, 20 वाले, 10 वाले। उसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, अगर मौसम थोड़ा ठीक ठाक रहता है तो भाई कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा बिक सकती है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में पान मसाला बीड़ी सिगरेट, ठीक है भाई, मेहमान आएंगे तो भैया मेहमान की खातिरदारी के लिए पान मसाला बीड़ी सिगरेट तो चाहिए ही चाहिए, और भाई ये तो कंपलसरी है कि बिकना ही बिकना है। तो भैया उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।